मुक्ता बेटा, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें कोई सांत्वना नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सांत्वना देना, कंसोल करना, ये सब ढोंग है। अब देखो ना, किसी के यहाँ अगर कोई बुरी घटना होती है, कोई मर जाता है, तो ढेर सारे लोग उसके घर पे आते हैं, उसको बार बार पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और वो बेचारा जो दुखी बैठा हुआ है घर में, वो बार बार वही बातें दोहराता है कि साहब उन्होंने अच्छे से खाना खाया, अच्छे से दूध पिया, पानी पिया, फिर वो सो गए और फिर सुबह वो नहीं रहे। कितनी तकलीफ होती होगी, है ना? और बेटा, मैं तो तुमसे एक ही बात कहता हूं कि तुम दुखी मत हो। देखो, तुम्हारे अंकल ने तुमसे पहले भी कहा था कि यहां रिश्ता हुआ तो मुक्ता कभी खुश नहीं रहेगी। अब देखो, अगर यहां तुम्हारी सगाई हो गई होती और तुम्हारी शादी हो गई होती और उसके बाद ये सब होता तो क्या होता? बहुत बुरा होता ना। तुम्हारे अंकल ने जो कहा था ठीक कहा था ना बेटा? तुम्हारा अंकल ढोंगी नहीं, सच्चा आदमी है, और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, जस्ट रिलैक्स। तुम्हारा अंकल तुम्हारे लिए इतनी बढ़िया जगह रिश्ता ढूंढ के लाएगा जहां तुम हमेशा खुश रहोगे, और तुम्हारा अंकल भी खुश रहेगा। तो जहां तुम्हारे अंकल की खुशी, वहीं तो तुम्हारी खुशी है ना, है कि नहीं? डोंट वरी, बी हैप्पी। वाह रे भगवान वाह, जो तुझे मानते हैं, तुझे पूजते हैं, तू उन्हीं का साथ नहीं दे रहा। मैं तो तुझे मानता तक नहीं हूं, तू मेरा ही साथ दे रहा है। वाह रे भगवान वाह। अरे इन बेवकूफों को कौन समझाए कि भगवान भगवान सिर्फ किताबों में होता है, इंसान खुद का भगवान होता है, और मेरा भगवान मैं खुद हूं। तब से वही होगा जो मैं चाहूंगा। क्या बात है, रो क्यों रही? कुछ नहीं, ये मुक्ता का रिश्ता टूट गया ना, इसलिए। तो इसमें रोने की क्या बात है, आपको तो खुशियां मनानी चाहिए। आखिर ये महान रिश्ता तो आप ही ने करवाया था ना, राजसी खानदान, प्रिंस ऑफ चित्तौड़गढ़, उच्च कोटि के राजपूत। आखिर कर दिया ना अपने मुक्ता की जिंदगी का सत्यानाश। इसलिए मैं अपने आप को असली दोषी मानती हूँ। मेरी मैं दोषी मत मानिए, दोषी मत मानिए। अरे मैं तो कहता हूँ खुशियां मनाइए खुशियां। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं आपको सोने चांदी से लाद दूं। आपने तो वो काम कर दिखाया है जो मैं आज तक ना कर सका। इस परिवार की इज्जत और मर्यादा की जो आपने धज्जियां उड़ाई है, वाह क्या बात है। आपके सुझाए हुए रिश्ते ने एक ही झटके में सब कुछ मटिया मेट कर दिया। क्यों ना हो, बीवी किसकी है, हमारी मदद तो करेंगे ही ना। थैंक यू स्वीटहार्ट, कीप इट अप। कैसी बातें कर रहे हैं आप?
आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? अपने ही खानदान के बारे में आपके मुंह से ऐसे अपशब्द कैसे निकलते हैं? मैं पराई होने के बावजूद भी आपके परिवार को अपनों से ज्यादा प्यार करती हूँ, बल्कि मैं उन्हें अपना ही समझती हूँ। और फिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आपके दिल में जय भाई साहब और पिताजी के लिए इतना जहर भर चुका है? आखिर किस चीज की कमी है आपको? बताइए ना। इज्जत की, अपने अस्तित्व की, अपनी आइडेंटिटी की। जब से पैदा हुए बाबूजी ने हमेशा जय भैया का साथ दिया। जय की तरफ देखो, जय ये है, जय वो है, जय से कुछ सीखो, जय की तरह अच्छे बनो, जय की तरह सीधे रास्ते पर चलो। जय 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 ना हो गया कोई भगवान हो गया। नहीं बनना मुझे भगवान, क्योंकि मैं इंसान हूं और इंसान की तरह मुझ में भी कुछ बुराइयां जिसका कि मुझे गर्व है। हमने कोई पाप तो नहीं कर दिया, बाबूजी ने हमें कभी नहीं समझा। लेकिन अब बाबूजी समझेंगे कि मैं क्या हूं और क्या कर सकता हूं। जब तक आपकी इस घर पर कृपा दृष्टि है, आपका आशीर्वाद है, हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहें। उधम सिंह जी, यूं तो अनेक यजमान हैं मेरे, बहुत सारे स्थानों पर मैं जाता हूं, परंतु ये परिवार मेरे लिए विशेष है, क्योंकि इस परिवार का हर व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण है। ये मेरी बहन एक बहुत ही सुघड़ गृहिणी और बहुत ही मन से स्वच्छ स्त्री है। ये पंची सेवा की मूरत है, मुस्कुराता रहता है, जीवन का संदेश देता है। ये बालक दिखता तो विदेशी जैसा है, परंतु शत प्रतिशत विचार इसके इसी देश के। और आप उधम सिंह जी, आप तो अपने आप में एक विचारक हैं। इतना समय आपने देखा है, ऊंच नीच देखी है, सुख दुख देखा है, इतना अनुभव आपको हो गया है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं आपको क्या सलाह दूं, क्या मशवरा दूं। मैं हमेशा आपके साथ हूं, ईश्वर आपके साथ है, उसका आशीर्वाद आपके साथ है। मुझे आज्ञा दें, ध्यान रखना और शिव की पूजा करते रहना। जी बिल्कुल, चलो।
भंवर सिंह, मैंने अपना सारा खेल कर दिया है, अब तेरी और कस्तूरी की शादी को कोई नहीं रोक सकता, कुंवर भी नहीं। जा एक बार ये शादी का जोड़ा कस्तूरी को पहना दे, वो तेरी गुलाम हो जाएगी, फिर देख वो कैसे भागती हुई मंडप में आती है। जा रंगरलिया मना, अपनी शादी का न्योता सारे सगे संबंधियों को दे दे और तू ऐश कर। जा ओम चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय नमः। कस्तूरी तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। इस पूर्णमासी के पहले मैं तेरे से शादी करूंगा, ये भंवर सिंह ने सोच लिया। सिंह कस्तूरी के जो शादी हो जावे तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत। और मैं उससे शादी करूं तो बहुत अच्छे आदमी है। तो तू हर सालों में तेरा बहनोई बात पक्की है। चल ठीक है, तू शराब पी, तो मैं शादी की तैयारी करूं। हां ठीक है ना भाई, मैं शादी की तैयारी करता हूँ। भंवर सिंह मेरी एक बात कान खोल कर सुनो, तू तो बहुत अच्छा आदमी है यार। रतन सिंह तू भी बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। क्या हुआ भंवर? आज से तेरे खुशी के दिन शुरू। शादी का जोड़ा है तेरे वास्ते। बचपन से आज तक जो सपने हम देखते आए ना, वो कल पूरे हो जाएंगे। मैं शादी करूंगा तेरे से कल। हमारे यहाँ तो 15-16 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है, लेकिन वो तेरा लालची भाई है ना रतन सिंह, वो तेरी कमाई पे जीना चाहता है ताकि उसकी शराब चलती रहे, शहर भेज के तुझसे काम करवाना चाहता है, शादी के पवित्र रिश्ते में हमेशा बिगड़ डालना चाहता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब हम दोनों की बचपन की दोस्ती शादी के इस पवित्र रिश्ते में बन जाएगी। इंतजार खत्म, फिर हम खुश रहेंगे, हमेशा साथ में जिएंगे। लेकिन भंवर, मैं अब किसी की सुनने वाला नहीं हूं, ना तेरी और ना तेरे उस भाई रतन सिंह की। बात सुन ली, अब वही होगा जो भंवर सिंह चाहेगा। और तैयार होना शादी के जोड़े के साथ, मैं आऊंगा ढोल नगाड़े के साथ।
भाई अपने आप को के समझे है? यूं हाथ में जबरदस्ती शादी का जोड़ा थमा दिया, मैं उसे शादी कर लूंगी? अरे शादी क्या कोई गुड्डी गुड़ियों का खेल है कि यूं हाथ पकड़ लिया मैं उसे शादी कर लूं? मेरा बचपन का दोस्त जरूर है, पर मैंने उसे कभी अपने पति के रूप में नहीं देखा। मैं सिर्फ उसे अपने अच्छा दोस्त मानती हूँ, जीवन साथी नहीं। लेकिन तुम भाई साहब को तो जानती है ना, एक बार उन्होंने कोई बात ठान ली तो वो करके ही रहते हैं। पर ये बात तो तेरे और उनकी शादी की है, अगर उन्हें पता चल गया कि तुमसे शादी नहीं करेगी तो वो खुद को तो खत्म कर ही लेंगे, साथ में तुझको भी खत्म कर देंगे। कजरी, मैं मर जाऊंगी पर भवन से शादी नहीं करूंगी। क्या हुआ यश भैया, क्या हुआ? रघुवर जी, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। कस्तूरी रेलवे ट्रैक पे भाग रही है, मेरा नाम पुकारती जा रही है, जोर जोर की पुकार रही है, भागती चली जा रही है। रघुवर जी, पीछे से फास्ट ट्रेन उसे चीरती हुई चली जाती है। ये सपना मुझे डरा रहा है। मुझे कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, ये सपना मुझे कुछ बताना चाहता। पंजी, मुझे कस्तूरी के पास जाना होगा।